नमस्कार साथियों, मैं हूँ अर्चना दुबे और आज आपको महिलाओं की एक समस्या ल्यूकोरिया, जिसे हम साधारण भाषा में सफ़ेद पानी जाना भी कहते हैं, उस पर कुछ चर्चा करने वाली हूँ। यह सफ़ेद पानी है क्या? यह सफ़ेद पानी ल्यूकोरिया ये कोई बीमारी नहीं है। जिस प्रकार से सर्दी लग जाने पर, जुकाम लग जाने पर हमारे नाक से पानी बहता है, वायरल अटैक हो जाने पर नाक से पानी बहता है, इसी प्रकार से जब हमारे नीचे के मार्ग यानी हमारे योनि मार्ग से किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल इन्फेक्शन जब भीतर प्रवेश करता है, तो शरीर उससे बचने के लिए एक प्रकार के तरल का स्राव करता है, जिससे वो अनवांटेड चीज़ हमारे शरीर से बाहर उस पानी में चिपक करके निकल जाए। तो ये हमारे बीमारी नहीं बल्कि हमारे शरीर के बचाव का एक उपाय है। लेकिन ये बीमारी तब बन जाती है, ये गंभीर समस्या तब बन जाती है जब इसका रंग बदल जाता है, जब इसका टेक्सचर बदल जाता है और जब इसमें स्मेल आने लगती है। वैसे तो ल्यूकोरिया पानी जैसा होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए, काफ़ी गाढ़ा हो जाए, दही के समान हो जाए या लाल रंग का हो जाए या इसमें बहुत ज़्यादा गंध आने लगे, तब ये रोग कारक हो जाता है। क्योंकि अगर इस इन्फेक्शन को समय रहते हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये वेजाइना के रास्ते, योनि के रास्ते ही भीतर आपके सर्विक्स से होते हुए अंदर पहुंच सकता है और आपको गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। ये होता क्यों है? ये होता है आपके हाइजीन की कमी के कारण। हम जाने अनजाने कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी साफ सफाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती है और हम इस ल्यूकोरिया के शिकार हो जाते हैं। तो हाइजीन में सबसे पहले आता है साफ सफाई का अभाव। तो आप जब भी शौच के लिए जाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि सफाई अच्छी तरीके से की जाए। दूसरा एक कारण इसका होता है वेस्टर्न टॉयलेट। ये जो हमारे कमोड सिस्टम है, ये महिलाओं में इन्फेक्शन फैलाने का बहुत बड़ा साधन है। और तीसरा है, जो महिलाएं ट्रेवलिंग बहुत करती हैं उनको पब्लिक टॉयलेट प्राय यूज़ करने पड़ते हैं, तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसमें पेट में नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा सूजन होती है तो दर्द होने लगता है, कमर में निचले हिस्से में दर्द होने लगता है। तो ये कुछ साधारण से कारण हैं आपके ल्यूकोरिया के। तो ल्यूकोरिया से बचने का उपाय भी क्या होगा? हाइजीन का। हाइजीन कैसे करें, ये मैं आपको आज 1 मिलियन डॉलर पॉइंट बताने जा रही हूँ। अब वो पॉइंट क्या है कि आप जब भी एनल वॉश करें तो वो बैक टू फ्रंट नहीं होना चाहिए। पीछे हमारा मल निकलने का द्वार है और आगे हमारा मूत्र द्वार है और वेजाइनल होल है। जब आप मल त्याग के बाद आगे की तरफ से हाथ ले जा करके पीछे से आगे बैक टू फ्रंट करते हैं, तो मल द्वार से निकला हुआ इन्फेक्शन वो आपके बालों में चिपक करके वेजाइना के रास्ते प्रवेश कर जाता है और उसकी वजह से ल्यूकोरिया हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको बचाव के लिए फ्रंट टू बैक की सफाई करनी है। या ये भी हो सकता है कि आप पहले एनल वॉश कर लें अच्छे से, उसके बाद दूसरे हाथ की सहायता से आगे की तरफ की सफाई कर लें, या ये भी हो सकता है कि आप केवल एनल वॉश कर लें और बाहर जब आप निकल के नहाने के लिए आते हैं तो उस समय आप अच्छी तरीके से आप अपने सारे पार्ट्स को क्लीन कर लें। क्लीन करने का भी एक तरीका है कि आप एक मग में गर्म पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा, 1 या 2 ड्रॉप डेटॉल, सेवलॉन, जो भी आपको उचित लगता हो, जो आपके पास सुविधा से मिले, वो उसमें डाल करके वॉश कर लें। लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपने जेनाइटल एरिया में के बाहर ही ये सारी चीज़ें करनी है, कोई भी चीज़ अंदर नहीं डालना है।
तो आपको ये करना होगा। और तीसरा करना होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि वो इन्फेक्शन हमारा बार बार यूरिन करते समय, क्योंकि दोनों होल आसपास ही हैं, तो पानी के माध्यम से सफाई बनी रहे वहाँ। अब आता है डाइट में क्या करें, जो इन्फेक्शन हो गया उससे बचने का उपाय क्या करें। तो इसमें ध्यान रखें कि हम अगर उस सर्विक्स के एरिया को एसिडिक कर दें थोड़ा सा, तो वहाँ इन्फेक्शन कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो इस एसिड मीडियम को क्रिएट करने का बेस्ट सोर्स जो आपके पास है वो है कर्ड, दही। तो आप अपने खाने में दही की मात्रा बढ़ा दें, उसमें लैक्टिक एसिड होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में बहुत बड़ी आपकी सहायता करता है। तो ये हो गई हमारे कारण की बातें, बचाव की बातें, खान पान की बातें। अब आइए, अगर ऐसा हो गया है तो उपचार क्या करें। उपचार बहुत ही आसान और बहुत ही साधारण, ये मैंने हाथ में देखिए बना के रखा है। ये पॉइंट है आपका, ये आप देख पा रहे होंगे शायद, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ये पॉइंट है आपका लिवर 5, ये पॉइंट है आपका SP9 और ये पॉइंट है आपका CV2। तो लिवर 5, SP9 और CV2, इन तीन पर आपको सफ़ेद मैग्नेट लगाने हैं। सफ़ेद मैग्नेट लगाने का मतलब है कि जब आप यहाँ पे मैग्नेट लगाएंगे तो उसका जो सफ़ेद हिस्सा है वो आपको बाहर दिखना चाहिए, और ये पॉइंट आपको दोनों हाथों में लगाने हैं। कितना सरल और कितना सहज उपचार है कि आपको लगाने में शायद 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और आप ये पॉइंट लगाने के बाद महसूस करेंगे कि आपकी ये समस्या ठीक हो गई। पॉइंट से भी महत्वपूर्ण साफ सफाई का ध्यान रखने की बात है, उसे आपको फॉलो करना है। और एनल वॉश की जो मैंने बात करी थी, मैंने देखा 25-25 साल पुराने ल्यूकोरिया के गंभीर पेशेंट भी केवल अपने मल द्वार की उचित प्रकार से सफाई करके पूर्ण रूप से ल्यूकोरिया से मुक्त हो चुके हैं। तो मित्रों, आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, उपयोगी होगी। तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि आप जैसी बहुत सी महिलाओं, बहुत सी बहनों की, बहुत सी बेटियों की ये समस्या दूर हो सके। और इसको अंत में सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने से हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आपके पास तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो हमारा लक्ष्य औषध मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।